स्पष्ट करें, चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, अब ये जो पहली अगस्त को जो अभी ये जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी के की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है।